नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है। अब पूरे देश और राम भक्तों को बस इस बात का इंतजार है कि राम मंदिर का निर्माण कब पूरा हो जाएगा और रामलला मंदिर में विराजमान कब होंगे। इसी बीच अब राम भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की कुछ फोटो शेयर की हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से गर्भगृह के निर्माण और प्लिंथ की तस्वीरें डाली हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राम मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा, भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर निर्माणाधीन मंदिर के प्रस्तावित गर्भगृह की वर्तमान स्थिति के कुछ चित्र प्रस्तुत हैं। इससे पहले कि रामलला के गृह प्रवेश की डेट तय कर ली गई है, बता दें कि भव्य राम मंदिर निर्माण अगले साल दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और फिर 14 जनवरी 2024 यानी मकर संक्रांति के अवसर पर रामलला को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर दर्शन करने योग्य हो जाएगा। बता दें कि मंदिर निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं हो रहा है, मंदिर में कंक्रीट के ऊपर पत्थर लगाए जा रहे हैं। मंदिर निर्माण को लेकर लगातार दिन और रात काम चल रहा है। कारीगरों के साथ मजदूरों की भी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।